हे गाइस, तो मैं अपने कमरे के करने वाली हूँ सफाई, और बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने कमरे में क्या क्या चेंजमेंट किया है और क्या चेंजमेंट नहीं किया है। तो मैं बस वही आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि अभी मेरा कैसा है लुक और आफ्टर में कैसा होगा, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। लास्ट बिल्कुल भी मिस मत करना यार, बहुत प्यारा रूम लगा है। और आप लोगों ने दीपावली की सफाई की है या नहीं की है? तो मैंने तो अपनी दीपावली की सफाई सबसे पहले स्टार्टिंग मतलब अपने रूम से ही कर रही है, और यहाँ से मैं कर रही हूँ तो यहाँ मुझे अलमारी समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों देखा होगा पहले किस साइड थी और किस तरह से रखी थी, और यहाँ मैंने ये बाहुबली बन गई हूँ मैं खुद। आज मैंने ये सरका दी है पूरी अलमारी, और उसके बाद मैं करूंगी सफाई। और तो यार ये इतना कूड़ा निकला, सच में वही मैं सोच रही थी कि डेली झाड़ू पोछा करो तो भी निकलता है, और जब दीपावली की सफाई करो तो बाप रे बाप, मैं चार पन्नी मतलब चार क्या चार बार कूड़ा फेंका, छोटी छोटी पन्नियां चार भर गई थी मेरी, इतना कूड़ा निकला, इतना ज्यादा कूड़ा निकला। ये अलमारियां वगैरह सब करी हैं तो बहुत ज्यादा कूड़ा निकला, सिंगार वगैरह पूरा कायदे से क्लीन किया तो बहुत ही ज्यादा कूड़ा निकला। यहाँ पे ये टीवी रखे, टीवी के ऊपर ही यार इतना मतलब जाला टाइप का रख जाता है वही, तो वो टीवी अभी मेरे कमरे में सेट नहीं हुई है, तो वही मैं उतार रही, मैंने कहा उतार के रख दूँ तो फिर, लेकिन मैं बाद में फिर यहीं रख दूंगी क्योंकि पूरी अलमारी गंदी है। तो और बाप रे बाप, मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, बहुत बची गई यार पता है, बहुत ज़्यादा बहुत। और यहाँ देखो कितनी डस्ट, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा डस्ट थी, और काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो आप लोगों ने दीपावली की सफाई कैसे की कैसे नहीं की है तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर करो, और मैंने इस तरह से की, मैंने क्या क्या मतलब मेरा नुकसान हुआ, क्या क्या मुझे मिला, मुझे एक ऐसी चीज़ मिली कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। और वो क्या चीज़ है जिसे देखकर मैं बहुत रोई भी, मुझे बहुत दुख हुआ वो मुझे मिला। दीपावली में होता है ना कभी कभी ऐसा सामान मिल जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही दुख होता है, बहुत ज़्यादा जिसको हम देखना भी नहीं चाहते दोबारा, वो चीज़ हमको देखने को मिल जाती है, मतलब कहीं छुपी हुई पड़ी रहती है फिर मिल जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो मैं बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है, और भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे, सच में मुझे बहुत दुख हुआ वो चीज़ देख के, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगी और बहुत जल्द शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। और यहाँ पे मैं सिंगारदान वगैरह क्लीन कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा गाइस मेरे कमरे की हालत देखो आप लोग, देख रहे हो और आप लोग काम करते करते मुझे लगाई है भूख बहुत तेज से, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और अभी बज रहा है दोपहर का 1:30, ठीक 1:30 बजने वाला है, और इतना सारा सामान फैला पड़ा है, भूख लगाई है। और ये देखो टीवी रखी है, मेरे कमरे में सेट नहीं हो पा रही है, बस यहाँ पे इस जगह पे सेट करवानी है मुझे, और ये सेट नहीं हो पा रही टीवी मेरी। और अब मुझे यहाँ पे ये देखो मेरी पुरानी घड़ी ये थी, फिर मैंने ये नई वाली ऑनलाइन मंगवाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, देख लो आप लोग। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सी मैगी, और यहाँ पे लेते हैं मेरे रेंचो, रेंचो हेलो करो, हेलो हेलो, चलो हम चलते हैं अपने किचन में जिससे कि भूख थोड़ी सी शांत हो, उसके बाद करते हैं अपना फिर से काम। गाइस तो मैंने यहाँ पे अपना प्याज टमाटर लहसुन और मिर्च काट दी है, और आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल मैं मैगी बनाने वाली हूँ जिसमें डालने वाली हूँ मैं मूंगफली के दाना, और ये बहुत ही ज्यादा नया तरीका है, और मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, एक बार ट्राई करना आप भी। और मैं इस तरह बना रही थोड़ी सी तीखी स्पेशल अपने लिए, क्योंकि मैं काम करके थक गई हूँ, तो अपनी थकान सी मिटाऊंगी और उसके बाद अगेन काम भी लगूंगी। तो सबसे पहले मुझे डालना है मूंगफली के दाने, ठीक है, उसी में साथ में मुझे डाल देना है लहसुन, साथ में मुझे डाल देना है प्याज, जिससे कि ये सब कुछ हो जाएगा साथ में, और ज़्यादा भुनेगा भी नहीं, ज़्यादा जलेगा भी नहीं, तो साथ में डाल देना। और फिर से ये इस टाइम से मुझे चलाना है, चलाना है जब ये थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हो जाता है ये, और अब डाल देना है मुझे इसमें मिर्ची अपनी खूब सारी, और कौन बनाता है ऐसे मैगी यार, बहुत तेज से भूख लग रही है, बहुत तेज से सच में यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। और मैंने सुबह अभी केवल एक कप चाय पी थी और कुछ नहीं खाया था, बस एक रोटी थी खा ली थी, एक रोटी थी खाली थी बच गई थी, तो वही रोटी मैंने खा ली थी। और अभी बच रहा है दोपहर का 1:30, आदित्य भी आने वाला होगा, ठीक है, तो ये मैगी फटाफट से बना लेते हैं और उसके बाद फिर अपने काम में लगते हैं, और आपको दिखाते हैं कि हमने अपने कमरे में क्या चेंज किया क्या चेंज नहीं किया। सोचा तो बहुत कुछ है, देखो अगर वो पाएगा तो उसी तरह से कमरा को अरेंज करेंगे, और थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं उस तरह से अपने कमरे को इस बार थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूं, अच्छा लगता है थोड़ा सा चेंज। और यहाँ पे प्याज व्याज हो गया है, लहसुन भी हो गया है, मिर्ची भी हो गई है, और मेरे ये मूँगफली के दाने भी हो गए हैं, तो यहाँ डाल देते हैं टमाटर। आ जाओ जिस उसको मैगी खानी है, बाद में कहना बोला या नहीं, और बहुत ही ज़्यादा यमी करने वाली है मैगी यार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुझे पता है। चलो अब इसमें हम नमक डाल देते हैं थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा, और उसके बाद मैगी, और मैगी के कर लेते हैं कुटाई, टाइम भी नहीं लगेगा, बढ़िया बन गया।
और ये गई मैगी। अब ये फटाफट से बन जाएगी बहुत जल्दी, 2 मिनट में तो नहीं बनती है लेकिन हाँ 5 मिनट के अंदर ये बन जाएगी यार। अभी देखना आप लोग, ये मस्त दम बनेगी। और डाल देते हैं मसाला, और यहाँ पे मसाला भी डाल दिया है। बस 5 मिनट जब होगा, जब हमारी मैगी हो जाएंगी रेडी, एकदम मस्त तीखी तीखी स्पाइसी मैगी विथ पीनट्स। मूंगफली के दाने बहुत पसंद है यार मुझे, बहुत ही ज़्यादा, किस किस को पसंद है। और आप एक बार आप भी बनाइएगा मूंगफली के दाने की मैगी, ठीक है। बस अभी रेडी होती है ये थोड़ी ही देर में, और यहाँ पर ढक देते हैं हम इसको। जाते हैं अपने कमरे में और अब फिर से काम करेंगे यार, बहुत काम है सच में, बहुत बहुत। मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्टिंग करते हैं रूम से ही, और फिर धीमे धीमे सभी कमरे, उसके बाद फिर यहाँ पे सिंगारदान। मैंने अभी यहाँ के गैप देखो, अभी सोच रहे हैं चेंजमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं हो पाता या नहीं हो पाता है। दिखाते हैं आप लोगों को फाइनल लुक कैसा है कमरे का। चलो मिलते हैं आपसे आगे। तो यहाँ पे बन गई है मेरी स्पेशल मैगी मूंगफली के दाने वाली, और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी सच में। आज बहुत मन था तीखा तीखा खाने का, तो मैंने बना ली, और भूख लग रही थी क्योंकि खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया था आज मैंने। और बस अभी कमरे की सफाई फिर चालू करते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं हम अपना फाइनल लुक कमरे का। और अभी हम मैगी खा लेते हैं। ये यार बहुत तेज़ से भूख सी आ रही थी, आदत के लिए मैंने रख दी है, आप लोग खा लीजिए। मस्त तीखी बनी है, मज़ा आ गया। चलो मिलते हैं आपसे आगे। फाइनली मेरे कमरे का थोड़ा सा मैंने चेंजमेंट किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से ये चेंजमेंट है, और यहाँ से मैंने ये सब कुछ हटा दिया है, और ये रहा मेरे कमरे का थोड़ा कुछ लुक इस तरह का। और वो मैंने टीवी फिर से ऊपर रख दी है, जब लगेगी तब लग जाएगी टीवी। और ये टेबल यहाँ कर दी है, ये अलमारी यहाँ। और अभी थोड़ा सा चेंजमेंट आपको 1 सेकंड बाद देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो फाइनली मेरे कमरे का पूरा मेकओवर हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने चाहा थोड़ा सा नहीं हो पाया है, बट हो गया है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं अपना रूम। मुझे तो अच्छा लगा है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो फाइनली मैंने ये चेंजमेंट किया है अपने कमरे में, ये यहाँ पे इस तरह से वॉल कर दी है मैंने एक, और वहाँ पे वो वॉच मतलब अटैच ही है, और यहाँ पे ये, और ये फाइनल लुक जो है मेरे कमरे का ये मुझे तो भाई बहुत पसंद आया यार, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये लाइटिंग थोड़ी छोटी पड़ गई और ख़राब भी थी, क्योंकि मुझे बहुत सही कर करके मैं कल से परेशान हूँ, तब जाके ये सही हुई है लाइट। पता नहीं कितनी जगह से मैंने जोड़ रखा है इसको, और ऊपर भी बहुत सारी लाइट्स रखी हैं लेकिन मैंने ली नहीं, मुझे ये वाली लाइट ज़्यादा पसंद है। तो चलो लाइट बंद करके आप लोगों को दिखाते हैं। और मैं चाह रही थी कि मतलब पूरा बीच बीच में करें, लेकिन इस ये नाइट में कुछ इस तरह से लगेगा। और मुझे ये ग्रीन पत्तियाँ लॉन्ग में सच में बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने ये क्यों छोड़ रखा है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूँ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े टंगते हैं, और यहाँ का हैंगर टूट गया है, तो देखो ये निशान भी पड़ा है ये, तो यहाँ पे वो कपड़े अपने हैंग करते हैं ऑफिस से आने के बाद। और ये मुझे तो वॉल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। चलो अब हम वीडियो अपना उसी जगह शूट करते हैं। तो मैंने इसी जगह पे वीडियो शूट करने लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत सुंदर, देखो ना कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। और ये 2 पत्तियाँ मेरी बच गई हैं, तो जिसको भी चाहिए बताओ कमेंट में, मैं भेज दूँ, और आप लोग भी डेकोरेट कर लीजिएगा। और वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मेरा कमरे का थोड़ा सा चेंज कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताना। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।